अगर भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है तो भारत बिल्कुल भारत नहीं है। ये कथन है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 95वीं जयंती है। अटल जी एक प्रखर वक्ता, राजनेता, कवि और पत्रकार भी थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। उनके विचार देश के युवाओं को आज भी प्रेरित करती है। मोदी सरकार ने आज इस खास मौके को और भी यादगार बना दिया है। जी हाँ, केंद्र सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। ये योजनाएं अटल भूजल और अटल टनल नाम से शुरू की जा रही हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या है अटल भूजल योजना और अटल टनल योजना और किसे मिलेगा इसका लाभ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक पानी की समस्या से निपटने के लिए अटल भूजल योजना लाई गई है। इस पर 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक और 3,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है, जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। साथ ही इससे किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण सुनिश्चित कराना चाहती है। सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि इस योजना का लाभ 6 राज्यों को मिलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। दूसरी अटल टनल योजना मनाली से लेह तक होगी। इस योजना को साल 2005 में ही मंजूरी मिली थी। इसमें सरकार 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कुल 8.8 किलोमीटर लंबी इस योजना का तकरीबन 80% काम पूरा हो चुका है। दावा किया गया है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा टनल होगा। आज से इन योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में देश के किसानों और खेती को इससे लाभ मिलेगा। बता दें कि आज वाजपेयी जी के जन्मदिन पर देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर भाजपा के दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहे। टीम खबर अपडेट।